हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। जैसा कि एक्सेल की पिछले कुछ क्लासेस में आप लोग ने पढ़ा था कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, आज हम लोग क्या देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की देखेंगे। ठीक है, जैसा कि देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपको पहला ये दिख रहा होगा कंट्रोल एन। कंट्रोल एन पे क्या लिखा, क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, नई वर्कबुक बनाना। जैसे कि पहले ही हमारी ये दो वर्कबुक ओपन है, तीसरी वर्कबुक खोलने के लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल एन। तो हम कंट्रोल एन जैसे ही करेंगे, देखिए हमारी एक नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी जो कि तीसरी वर्कबुक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। अब दूसरा क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज द एक्टिव वर्कबुक। इसका मतलब आप जिस वर्कबुक में काम कर रहे हैं वो वर्कबुक क्या हो जाएगी, आपकी क्लोज हो जाएगी। जैसे कि जो नई वर्कबुक अभी ओपन हुई है हम उसी पे एक्टिव हैं, तो जैसे कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे वो वर्कबुक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है, तीसरा कंट्रोल ओ, ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। जिस वर्कबुक में आप काम कर रहे हैं वही ओपन होगी। ठीक है, कंट्रोल ओ, देखिए ओपन का ऑप्शन आ गया, आप यहां से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हम बैक टू आ जाते हैं। कंट्रोल एस क्या करेगा, जो एक्टिव वर्कबुक होगा जिस पे आप काम कर रहे होंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, सेव का ऑप्शन आएगा। कंट्रोल एस, देखिए सेव का ऑप्शन आ गया, आपसे फाइल नेम पूछेगा। ये तभी पूछेगा जब आप पहली बार इस फाइल को सेव कर रहे हैं। अगर एक बार ये फाइल सेव हो चुकी है तब कंट्रोल एस करने से वो नहीं पूछेगा, तब वो ऑटोमेटिकली उसी लोकेशन पे उसी नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं F12 क्या करता है। तो जैसे ही आप लोग F12 प्रेस करेंगे तो ऐसा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और वो आपसे पूछेगा नाम कि किस नाम से आपको सेव करना है। अगर फाइल पहले से सेव है तो कंट्रोल एस करने पे ऑटोमेटिक वहीं जाके सेव हो जाएगी। हाँ, और पहले से नहीं सेव है तो कंट्रोल एस करने पे भी नाम और लोकेशन पूछेगा। अगर पहले से सेव है तब भी F12 करेंगे तो आपसे सेव करते समय नाम पूछेगा। ठीक है, कंट्रोल सी क्या करता है, लिखे हुए कंटेंट जो कि सेलेक्टेड होते हैं उनको क्या करता है, कॉपी कर लेता है। आइए देखिए, हमने लिख दिया 12, 36, 56। ठीक है, अब इसमें से आपको जो कंटेंट कॉपी करना है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। हमने 12, 36 सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लिया। हम आए C1 में और कंट्रोल वी के साथ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ कौन सा कंटेंट हमारा कॉपी होता है, 12, 36 जो हमने सेलेक्ट किया था। आपको एक्सेल में कोई भी काम करना होगा तो जहां करना होगा उस सेल को, उस एरिया को, उस रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद ही वो अप्लाई होगा। ठीक है, आइए अगला क्या कह रहा है, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का क्या मतलब होता है, कट कर लेता है। जैसे मान लीजिए 56 है, हमने कंट्रोल एक्स किया और फिर यहाँ 36 के नीचे कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो 56 का क्या हुआ, देखिए लोकेशन जो 56 की है वो चेंज हो गई। कंट्रोल सी से क्या था, सेम ओरिजिनल लोकेशन भी थी, एक उसकी नई लोकेशन भी आ गई। पर कंट्रोल एक्स से क्या हुआ, कट से ओरिजिनल लोकेशन जो थी वो हट गई, अब ओरिजिनल लोकेशन इसकी हो गई है C3। ठीक है, दोनों कट करने का, चाहे कॉपी करने का, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल वी। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल पी क्या है, प्रिंट डायलॉग। जैसे ही आप काम कर लेंगे, अगर आपको वो काम किया हुआ वर्कशीट आपको प्रिंट करना है तो आप क्या शॉर्टकट की करेंगे, कंट्रोल पी। तो जैसे ही आप कंट्रोल पी करेंगे प्रिंट करने की सेटिंग ओपन हो जाएगी और फिर यहां से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्या करता है, आपके सेलेक्टेड एरिया को टेबल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसमें लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है ये मान लीजिए जैसे ब्लैंक है हमारा, हमने कहा कंट्रोल टी, अब वो इस सेलेक्टेड रेंज को क्या करेगा, टेबल में बदल देगा। और हम यहाँ पे ओके कर देंगे। देखिए जितना हमारा सेलेक्टेड एरिया था उसको किस में चेंज कर दिया, कंट्रोल टी से टेबल में। ठीक है दोस्तों, आइए टैब क्या करता है, कर्सर को आपके जो एक्टिव सेल है उसके राइट में मूव करता है। देखिए हमारा इस समय A3 पे कर्सर है, तो जैसे टैब करेंगे तो कर्सर क्या है, राइट में मूव होता जा रहा है। ठीक है, उसके अगला क्या है, कंट्रोल F1। ठीक है, कंट्रोल F1 क्या करता है, ये जो आपके रिबन पे कमांड है ना ये हाइड हो जाएगा। देखिए कंट्रोल F1 हाइड हो गया।
अब जैसे आप फिर कंट्रोल F1 करेंगे तो वो चीज क्या होगी, वापस आ जाएगी। देखिए कंट्रोल F1, तो हाइड करने के लिए भी कंट्रोल F1 और शो करने के लिए भी कंट्रोल F1, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल टैब से क्या होता है, कंट्रोल टैब से क्या होगा, जैसे इस समय हमारी दो वर्कबुक खुली है, ठीक है। एक पे आप लोग नाम देख सकते हैं, लिखा है शॉर्टकट कीज ऑफ MS Excel, एक पे लिखा है बुक 1। तो जैसे ही हम कंट्रोल टैब करेंगे ना, तो हम इस समय बुक 1 पे काम कर रहे हैं, तो बुक 1 से हम किस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, शॉर्टकट कीज ऑफ MS Excel पे। देखिए कंट्रोल टैब, तो हमारा एक्टिव वर्कबुक कौन सा हो गया, शॉर्टकट कीज ऑफ MS Excel। वापस जाने के लिए फिर क्या करेंगे, कंट्रोल टैब, फिर से हम अपने वर्कबुक पे आ गए जिस पे हम काम कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं दो शीट खुली है, ठीक है, इसको हम 3 कर देते हैं। जैसे 3 शीट है नीचे, आपको अगली शीट पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है, कंट्रोल पेज डाउन करते जाएंगे तो नेक्स्ट वर्कशीट पे जाते जाएंगे। देखिए जैसे 1 पे थे, एक बार करेंगे 2, 3 पे, एक बार करेंगे 2 पे, ठीक है। वापस आने के लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल पेज अप, ठीक है। तो वैसे आप क्या करेंगे, वापस आएंगे नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन, प्रीवियस पे आने के लिए कंट्रोल पेज अप, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप जिस भी रो पे काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा इस समय कर्सर कहाँ पे है, L21 पे, ठीक है। अगर हम इस समय होम बटन दबाएंगे ना, कीबोर्ड में एक बटन होता है होम का, जैसे ही हम होम का बटन दबाएंगे तो कर्सर हमारा कहाँ चले जाएगा, A21 पे। देखिए होम दबाए, कर्सर हमारा आ गया A21 पे। तो जिस भी रो में आप काम कर रहे हैं, होम बटन दबाने से कर्सर उस रो के पहले सेल में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, होम बटन दबाने से। अब अगला शॉर्टकट की क्या है हम लोग का, कंट्रोल होम। कंट्रोल होम क्या करता है, कंट्रोल होम से हम लोग क्या करेंगे, वर्कशीट के पहली सेल पे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए कंट्रोल होम, हम कहाँ आ गए, A1 पे, कहीं भी कर्सर रहेगा तो कहाँ आ जाएंगे, A1 पे, कंट्रोल होम से, ठीक है। कंट्रोल इंड क्या करेगा, जो लास्ट सेल आप जिस पे वर्क किए थे, कर्सर वहां चला जाएगा, कंट्रोल इंड। हमारा लास्ट सेल कहाँ वर्क हुआ था, जहाँ टेबल बनी थी, जो कि है आपका C11, तो कर्सर कहाँ आ गया, कंट्रोल इंड से, वहीं कर्सर पूरे वर्कशीट में कहीं भी रहेगा, कंट्रोल इंड करेंगे तो लास्ट वर्किंग सेल जो होगी उस पे आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी क्या करता है, कंटेंट को नीचे कॉपी करता है सिलेक्टेड रेंज में, ठीक है। जैसे 12, 36, 56 है, हम इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे कंट्रोल डी करेंगे तो सब पे क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। देखिए कंट्रोल डी किए तो पहली सेल छोड़ के बाकी जितनी सिलेक्टेड सेल थी नीचे सब पे क्या लिख गया, 12, ठीक है। आइए उसके बाद क्या है, F2। अब F2 क्या करता है, सेल को एडिट करता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ 36 लिखा है, ठीक है, अब आपको यहाँ एडिट करना है, एडिट करने के लिए क्या करेंगे, F2, ठीक है, हम 0 कर देंगे। अगर आप एडिट नहीं करेंगे तो जैसे ही आप एक्टिव सेल पे कुछ भी लिखेंगे तो पुराना लिखा हुआ क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखिए जैसे हमने यू लिखा तो 56 डिलीट हो गया, मान लीजिए हम लिख रहे हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। अब स्पेलिंग हमारी गलत हो गई, ठीक है, यूनि एफ फॉर्म FORM होना चाहिए, ठीक है, हमने इंटर कर दिया। अब हम बैक जाएंगे, जैसे ही फिर से लिखना चालू करेंगे तो जो यूनिफॉर्म लिखा है ये डिलीट हो जाएगा। हमें इसको एडिट करके कर्सर ले जाएंगे और बीच में ओ डाल देंगे, यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एडिट का मतलब ये होता है। कंट्रोल ए क्या होता है, कंट्रोल ए से पूरी वर्कशीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ब्लैंक, अगर ब्लैंक सेल पे है, ब्लैंक सेल आपका एक्टिव है तो कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका लिखा हुआ सेल है, कंट्रोल ए करेंगे तो जो लिखा हुआ है सिर्फ उतना सेलेक्ट होगा। अगर पूरी वर्कशीट करनी है तो पहले कंट्रोल ए करेंगे तो पहले उतनी टेबल सेलेक्ट होगी, फिर कंट्रोल ए करेंगे तो पूरी वर्कशीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 पे हम करेंगे कंट्रोल ए तो कहाँ तक सेलेक्ट हुआ, यूनिफॉर्म तक। यहाँ 12 पे करेंगे तो कहाँ तक सेलेक्ट होगा, 36 तक। अब आप चाहते हैं कि पूरा सेलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल ए, पहले लिखा हुआ पार्ट फिर कंट्रोल ए तो पूरी वर्कशीट, ठीक है। अब अगला क्या है, कंट्रोल स्पेस। देखिए दोस्तों कंट्रोल स्पेस क्या करता है, जैसे मेरा कर्सर इस समय A13 पे है, जैसे हम कंट्रोल स्पेस करेंगे ना तो ए वाली जो कॉलम है वो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, क्या सेलेक्ट हो जाएगी, ए वाली कॉलम, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको रो सेलेक्ट करनी है पूरी 13 वाली तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट स्पेस। शिफ्ट स्पेस से क्या हो जाएगी, रो सेलेक्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थे,
आपके एमएस एक्सेल के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।